सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द साइबर सिक्योरिटी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज शैलेंद्र। सो गाइज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में जाना चाहते हैं या जिनको वेबसाइट्स का नॉलेज नहीं है, वो वेबसाइट्स के बारे में एकदम इन डेप्थ और बेसिक से लेकर एडवांस तक नॉलेज जानना चाहते हैं, उसके स्टेटस कोड के बारे में, कुकीज क्या होता है, HTTP होता क्या है, HTTP कैसे वर्क करता है, कैसे वेबसाइट कम्युनिकेट करती है, कैसे एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। उस वेबसाइट्स का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे पहले गाइस मैं आपको ओवर भी बता देता हूँ कि उस वेबसाइट से, उस डॉक्यूमेंटेशन पेज से आप क्या क्या चीजें सीख सकते हो, ठीक है। तो उस वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, ओपन कर सकते हो। उससे पहले दिखा देता हूं मैं, ये मैं ओपन करके रखा हूं, ठीक है। सो गाइस ये आपका बेसिकली मोजिला का खुद का डेवलपर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहां पे आपको ये सारा लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट्स कैसे रन करती है, एक HTTP प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, उसके साथ साथ उसके रिस्पॉन्सेस के बारे में, मेरा इस वीडियो में मेन टारगेट है रिस्पॉन्सेस के बारे में बताना कि HTTP जो रिस्पांस स्टेटस कोड होता है वो कैसे वर्क करता है, या HTTP स्टार्टिंग से होता क्या है, अगर वो जानना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाना, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्सेस एंड URL पे जाना, URL कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, क्या टेक्नोलॉजी, वो सारा कुछ बेसिक ऑफ HTTP के पे क्लिक करना। तो HTTP क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इवोल्यूशन वगैरह, डेटा URL, रिसोर्स URL, क्या क्या माइंड टाइप क्या होता है, फ्लो ऑफ HTTP सेशन क्या होता है, मैसेज कैसे वर्क करता है, वेबसाइट्स कैसे लोड होता है, इन सारी बातों की जानकारी इस वेबसाइट में आपको मिल सकती है। सो गाइस फाइनली हम लोग मूव करते हैं, हमारा जो मेन आज का मुद्दा है स्टेटस कोड के बारे में, ठीक है। गाइस स्टेटस कोड में मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे आज स्टेटस कोड आपने देखा होगा, रिस्पॉन्स स्टेटस कोड जो हमको वेबसाइट्स के अंदर मिलता है, जो मोस्ट कॉमन होता है 404 का, ठीक है, 404 नोट फाउंड का, ये हर कोई के ब्राउजर में ये चीजें लगभग टाइम आपने ये चीजें ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीजें के बाद उन सारी चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस वेबसाइट को जरूर एक बार विजिट करना है, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ, देखना सबसे पहला बेसिक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड इंडिकेट्स वेदर अ स्पेसिफिक HTTP रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, ठीक है। रिक्वेस्ट कम्प्लीटेड होने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, उसके बारे में ये कोड आपको मिलता है, ठीक है। तो पहला अगर 100 से लेकर 199 तक अगर स्टेटस कोड आपको मिल रहा है, दैट मींस वो इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेस के बारे में रहेगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेस होता क्या है, इनडेप्थ इस वीडियो में मैं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करके इसके बारे में देख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है, और इसके अंदर जितने भी स्टेटस कोड आते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप यहां से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इंफॉर्मेशन में लाइक 100, 101, 102, 103 इस सारे का मीनिंग क्या है, क्या क्या किस चीज के लिए यूज होता है, वो सारा आप यहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली मेरा मेन मकसद है कि जो लोग वेब एप्लीकेशन, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना चाहते हैं वो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें गाइस, आपको बहुत सारी नॉलेज यहां से आप ले सकते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स के बारे में, कैसे वेबसाइट्स वर्क करती है, देन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा किसी भी वेबसाइट्स के अंदर में बग्स फाउंड करना, वल्नरेबिलिटी फाउंड करना, ये सारा चीज, ठीक है, आप ट्रबल शूट अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस 200 से लेकर 299 तक अगर रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, दैट मीन्स सक्सेसफुल है। रीडायरेक्ट्स, दैट मीन्स अगर सपोज एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, लाइक आपने www.google.com सर्च किया और आपको google.com का वेब पेज लोड करके नहीं दे रहा, वो आपको रीडायरेक्ट किस पे कर दे रहा है, www.yahoo.com ओपन करके दे दे रहा है, दैट मीन्स वो ये रीडायरेक्ट का एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे टोरेंट वेबसाइट या मूवीज डाउनलोडिंग वाला वेबसाइट्स पे आप जाओगे, मैलिशियस वेबसाइट सब होते हैं, तो वहां पे बहुत सारे ये इसका एग्जांपल मिल जाएगा, लाइव एग्जांपल, जहां पे आप क्लिक करोगे तो वो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्लाइंट एरर, तो क्लाइंट एरर लाइक कि आपने www.google.com/ आप अपना नाम .html सर्च करते हैं और वो पेज अगर गूगल पे अवेलेबल नहीं है तो वो क्लाइंट की तरफ से एरर है, ठीक है, आपने गलत सर्च किया, तो लाइक 404 का .com का एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्लाइंट उसी प्रकार अगर किसी तरह का सर्वर में प्रॉब्लम है, लाइक जिस सर्वर पे वेबसाइट रन कर रहा है, जैसे आपने सर्च किया डब्ल्यू डब्ल्यू
योर डोमेन.com जिस सर्वर पे होस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उस सर्वर में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो 500 से लेकर 599 तक एरर देता है। इसके बारे में इन डेप्थ अगर आपको जानना है तो आप नीचे स्क्रॉल ऑन करेंगे तो सबका आपको मीनिंग लाइक 201 इसका मतलब क्रिएटेड होता है, पोस्ट क्रिएटेड, 202 का एक्सेप्टेड हो गया, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन डेप्थ आप हर कुछ जान सकते हैं, सारे चीज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एक एक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और 404 से रिलेटेड लाइक मैंने एग्जांपल दिया था नोट फाउंड का, ठीक है, ये सब लोग मैक्सिमम लोग ये चीजें ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वर से रिलेटेड जितने भी एरर स्टेटस कोड होते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। उसके साथ साथ इस वेबसाइट पे आपको दिया हुआ है कौन कौन से ब्राउजर पर क्या क्या स्टेटस कोड मिलते हैं वगैरह वगैरह, कौन क्या वर्क करता है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज और मैं एक दो चीज आपको बता देता हूँ, लाइक कि टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इन डेप्थ अगर एचटीटीपी कैसे वर्क होता है, एचटीटीपी क्या होता है, ये सब भी नहीं आपको पता है तो आप गाइस यहाँ पे जाना रिलेटेड टॉपिक पे, ठीक है, देख लो एचटीटीपी गाइड पे क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पे बेसिक्स ऑफ एचटीटीपी पे क्लिक करना, आपको बेसिक एचटीटीपी होता क्या है, कैसे वर्क करता है, ओवरव्यू, रेवोल्यूशन, एचटीटीपी मैसेज, सेशन वगैरह, एचटीटीपी सेशन, ये सारा कुछ आपको, कनेक्शन मैनेजमेंट कैसे एचटीटीपी 1.x दैट मीन वो एचटीटीपी का वर्जन है वो कैसे वर्क करता है, कैसे कनेक्ट होता है, वो सारा कुछ दिया हुआ है। फिर प्रोटोकॉल अपग्रेड के बारे में, फिर उसको सिक्योरिटी के बारे में दिया हुआ है, एचटीटीपी एक्सेस कंट्रोल के बारे में दिया हुआ है, एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन, कैचिंग, कुकीज वगैरह, रीडायरेक्ट क्या होता है, स्पेसिफिकेशन वगैरह वगैरह, आपको इन डेप्थ यहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं अगर आप वेब एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हो। आई होप सो गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, गाइस वीडियो अच्छा लगा हो कि लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, गाइस सपोर्ट करें एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। एंड यार कहीं पे थोड़ा बोलने में मिस्टेक होता है तो उस चीज को इग्नोर करना, ठीक है, बिकॉज गाइस समटाइम्स इट्स अ ह्यूमन एरर, ठीक है, तो होते रहता है। बाकी आप वीडियो अच्छे लगते हो, अगर इन्फॉर्मेशनल लगी वीडियो तो जरूर शेयर करना, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो भाई, सपोर्ट करो एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग कंटेंट के साथ। बाय बाय।